फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप नेविगेशन बार की तरफ देखते तो देखिए यहाँ पे कुछ अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पे अगर मैं एक बार टच करता हूँ तो देखिए एक एनिमेशन शो हो रहा है। फिर से एक बार टच करता हूँ तो देखिए अब एनिमेशन चेंज हो गया है, कुछ और ही एनिमेशन शो हो रहा है। तो ये सेटिंग मैंने कैसे कर रखा है, तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। आप भी नेविगेशन बार में इस टाइप के कुछ अमेजिंग एनिमेशन को कैसे सेट कर सकते हो, वो भी विद इन वन क्लिक में। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस ट्रिक को यूज करते टाइम कुछ भी दिक्कतें होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली फॉलो करके DM कर सकते हो @technomindujwal। और अगर आपने अभी तक technomindujwal चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कूल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करूँ और इस एप्लीकेशन का नेम क्या है, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, बस अब वीडियो में बने रहिए। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले नेविगेशन बार एनिमेशन को इनेबल कर लेना है। इसके बाद आप सिंपली 3 लाइन पर टैप कीजिए और सेटिंग ऑप्शन में जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले एनिमेशन ऑन, उस पर आपको टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है आप किस बटन पे एनिमेशन को सेट करना चाहते हो, होम बटन पे, रिसेंट ऐप बटन पे या फिर दोनों पे। मैं यहाँ पे सिंपली बोथ पे रहने देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे एनिमेशन स्पीड को भी मेंटेन कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आप डिफॉल्ट इसे रहने दें। इसके बाद आपको सिंपली ऑटो स्टार्ट ऑन बूट पे राइट क्लिक कर देना है। इसका मतलब जब भी आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद ओपन करेंगे यानी ऑन करेंगे तब भी आपको एनिमेशन जो है दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग सिंपली बैक चले जाते हैं मेन इंटरफेस पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लॉट्स ऑफ एनिमेशन कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। इसमें से किसी भी एक कैटेगरी को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे एनिमेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस एनिमेशन पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए वो एनिमेशन जो है मेरे फोन पे फिलहाल लग चुका है। अगर मैं अपने होम स्क्रीन या फिर अपने रिसेंट ऐप बटन पे टैप करूंगा तो एनिमेशन मेरा शो हो रहा है। इसके बाद हम लोग सिंपली रैंडम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, इस कैटेगरी के अंदर जितने भी एनिमेशन दिया गया है वो सभी एनिमेशन आपको बारी बारी में दिखाई देने लगेगा। और मैंने अपने होम स्क्रीन पर गूगल नाउ लॉन्चर सेटअप कर रखा है जो कि देखने में बहुत ज्यादा सिंपल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। और गूगल नाउ लॉन्चर APK फिलहाल तो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा नहीं, बट अगर आप फिर भी गूगल नाउ लॉन्चर या फिर गूगल होम स्क्रीन सेटअप करना चाहते हो अपने फोन पे भी, तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से नोवा लॉन्चर को डाउनलोड कर सकते हो। नोवा लॉन्चर पे भी आप गूगल नाउ लॉन्चर या फिर गूगल होम स्क्रीन सेटअप को कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप एनिमेशन को भी अपने फोन पे आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपका फोन का जो सेटअप है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, मिनिमलिस्टिक हो जाएगा, एंड आप इस सेटअप को दिखा के किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसके यूज करके आप नेविगेशन बार में भी एनिमेशन को सेट कर पाएंगे। इसके लिए सिंपली आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको सर्च करना है नैब बार एनिमेशन करके, तो आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी इस एप्लीकेशन को आप वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला एप्लीकेशन 100% सेफ एंड सिक्योर है। इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए रूट करने की कोई जरूरत है नहीं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ढूंढ रहे हो तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे बार करके लिखा हुआ है, उसके पास जो लिंक दिया गया है वही इस एप्लीकेशन का लिंक है। वहाँ से भी आप प्ले स्टोर विजिट करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए ये ट्रिक आपको कैसे लगाए। और अगर आपने अभी तक technomindujwal चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।